इस वीडियो में जनरली आपको बताएंगे कि टूथ कैपिंग होती क्या है, टूथ क्राउन जो है वो होता क्या है, और मेनली इसमें हम बात करेंगे कि आरसीटी के बाद टूथ कैप लगाना क्यों ज़रूरी है। अक्सर ये दिमाग में बात रहती है कि आरसीटी करा लिया उसके बाद टूथ कैप क्यों लगवाना है, उसमें क्यों खर्च करना है, तो इसी पर आज बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। शुरू करने से पहले ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अब आप हमारे पेज इजी डेंटिस्ट्री को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये हमेशा होता है कि आरसीटी कराने के बाद टूथ कैप क्यों लगाना चाहिए, या पेशेंट हमेशा ये बोलते हैं कि जब आरसीटी करा ली दर्द चला गया तो फिर उसमें कैप लगाने की क्या ज़रूरत है, कैप क्यों लगाना चाहिए। तो इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैपिंग क्या होती है या क्राउन जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। तो कैप से जैसे आपको समझ में आता है पूरा कवर करने के लिए, जो आपका टूथ है, टूथ स्ट्रक्चर है उसको कवर करने के लिए एक प्रोस्थेसिस होती है, उसको हम टूथ कैपिंग या टूथ क्राउन बोलते हैं। इसके लिए पहले आपके टूथ को, आपके दांत को प्रिपेयर किया जाता है। फोटो में आप देख सकते हैं, ऐसे आपके दांत को थोड़ा छोटा किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है ताकि उसके ऊपर कैप बिठा दिया जाए। और जो कैप होता है, जो क्राउन होता है, वो बिल्कुल आपके दांत के तरह ही होता है, एग्जैक्ट आपके दांत के जैसा ही दिखता है, जो नेचुरल टूथ है उसके जैसा ही दिखेगा, उतने ही साइज़ का वो बनता है। इसलिए पहले आपके दांत को प्रिपेयर किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर उसको लगा दिया जाता है, फिक्स्ड ये होता है। और जो कैपिंग का ट्रीटमेंट है ये सिर्फ आरसीटी के बाद ही नहीं, बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कैपिंग करते हैं। सपोज़ अगर आपका क्राउन टूटा हुआ है या डिफेक्टिव है, आपका जो दांत है वो टूटा हुआ है या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव है, आपके दांतों के बीच में गैप है, सामने पीछे आपके दांतों के बीच में गैप है, खाना फंसता है, या आपका दांत नहीं है कोई और उसको आप रिप्लेस कराना चाहते हैं, फिक्स ट्रीटमेंट चाहते हैं, उसको रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कैपिंग की जाती है। बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन अभी आरसीटी की हम बात कर रहे हैं, आरसीटी के बाद कैपिंग क्यों ज़रूरत है। तो जनरली मैंने आपको बता दिया कि कैपिंग क्या होती है, क्राउन क्या होता है। इसमें एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट क्राउन के बारे में बताएंगे और उसमें कितना कॉस्ट आता है, कितना खर्च आता है, उसके सारी जानकारी उसमें देंगे। बहुत अलग अलग प्रकार के कैप आते हैं, लोएस्ट से लेकर हाई रेंज तक सभी आपको हम बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं आरसीटी के बाद इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो अभी जैसे मैंने पहले कहा, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि हमें दर्द था, हमने टूथ की आरसीटी करवा ली, अब आरसीटी के बाद हमारा दर्द जो है, पेन जो है वो ख़त्म हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद उसमें कैप क्यों लगाना है, उसमें उसको कवर करने की क्यों ज़रूरत है। हो सकता है ये बात आपके मन में भी हो, तो इसमें हम बात कर रहे हैं। तो आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे ये होती है, उसमें क्या प्रोसीजर होता है पूरा, उसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन आएगा, सजेशन आएगा, उसमें भी क्लिक करके आप पहले आरसीटी समझ सकते हैं, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं कैपिंग क्यों। तो आरसीटी की प्रोसीजर में जनरली जो इन्फेक्टेड कैनाल से इन्फेक्टेड नसें हैं वो आपके टूथ की निकाल दी जाती हैं, जिसके कारण आपको पेन था, दर्द था, उनको निकाल दिया जाता है। और ये जो टूथ की नसें हैं, जनरली जिनको नसें बोल दिया जाता है दांतों की, इनमें नर्व्स होती हैं जो ये टूथ को पोषण देते हैं, ये न्यूट्रिशन टूथ को प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड हो गया, हमें प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए पूरे टूथ को निकलवाने से अच्छा उन नसों को, उन कैनाल्स को क्लीन हम करवा लेते हैं, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जो हमारा टूथ है वो नॉन वाइटल हो जाता है। पहले आपका टूथ वाइटल था, उसको न्यूट्रिशन मिलता था, अब वो नॉन वाइटल हो गया। अगर और आसान करके समझे तो आपका जो टूथ है वो पहले जिंदा था, अब वो जिंदा नहीं है, उसमें जान नहीं है, क्योंकि उसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। सारी नर्व्स जो है, जो जितना भी नसें हैं वो सारी निकाल दी गई हैं, क्लीन कर दी गई हैं, तो उसको किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। लेकिन पूरा टूथ निकालने से अच्छा है कि इन्फेक्टेड नसों को निकाल दिया जाए, इसीलिए हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, नेचुरल जो टूथ है वो हमारा बचा रहे इसीलिए। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपका जो टूथ है वो नॉन वाइटल हो जाता है और ब्रिटिल हो जाता है, ब्रिटिल नाजुक हो जाता है। अगर आप उससे अब कुछ खाएंगे, अगर कुछ कड़ी चीज़ें उस पर लगेंगी तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आपने रूट कैनाल कराया है या कराना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि आपका नेचुरल टूथ बचा रहे, आप जैसे उसको यूज़ करते थे वैसा करते रहें, उसके
निकलवाने की उसको ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए कैपिंग बहुत ज़रूरी है। आपको कैपिंग उसके ऊपर करानी है, यह आपके पूरे टूथ को कवर कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है। जो भी लोड आएगा, जो भी प्रेशर वगैरह आता है खाने का या किसी भी चीज़ का, तो वो कैप के ऊपर आता है, कैप उसको वेयर कर लेता है। जो आपका टूथ है जिसको सेव किया गया है आरसीटी से, उसके ऊपर कोई लोड नहीं आता, कोई प्रेशर नहीं आता, तो आपका जो दांत है वो लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल टूथ को आप लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए कैपिंग बहुत ज़रूरी है। आरसीटी का ट्रीटमेंट आप तभी कंप्लीट समझे जब आप उसमें कैपिंग करा लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और किन ट्रीटमेंट्स पर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं, किन ट्रीटमेंट्स को आप और समझना चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, तो जल्दी उनमें भी वीडियो हम लेकर आएंगे। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।